सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महमूदाबाद का कोतवाली परिसर बुधवार को तहसील प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारों से गूंजता रहा। दरअसल राजस्व निरीक्षक और वकीलों के मध्य हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीतापुर के महमूदाबाद में राजस्व निरीक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर नो वर्क के साथ वकीलों ने कोतवाली परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। वकील राजस्व निरीक्षक पर कार्रवाई की मांग एक स्वर से कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि उनका यह अनिश्चितकालीन धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर FIR दर्ज नहीं की जाती। आक्रोशित अधिवक्ता, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगाकर विरोध व्यक्त कर रहे हैं। बताते चले कि मंगलवार को भूमि की पैमाइश को लेकर राजस्व निरीक्षक और अधिवक्ताओं के बीच महमूदाबाद तहसील परिसर में विवाद हो गया था। मामले में राजस्व निरीक्षक राममोहन दीक्षित ने 6 अधिवक्ताओं को नामजद करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने और अभिलेख फाड़ने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी के विरोध में अधिवक्ताओं ने पहले तो तहसील परिसर से कोतवाली तक पैदल मार्च निकाला था, राजस्व कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी की थी। अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि उनकी तरफ से भी तहरीर दी गई है लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। थाना रामपुर कला क्षेत्र के सोरैया निवासी अधिवक्ता कमलेश कुमार यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि सीमांकन के मामले में राजस्व निरीक्षक राममोहन दीक्षित 15,000 रुपए मांग रहे थे। मना करने पर कमलेश की जेब से 10,000 रुपए जबरन निकाल लिए। विरोध करने पर राममोहन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अधिवक्ता को पकड़ लिया। इस दौरान उनकी सोने की चैन भी खींच ली और चश्मा भी तोड़ दिया। विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन महमूदाबाद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद वर्मा, महामंत्री वेद प्रताप शर्मा, शिवेंद्र कुमार सिंह, शिव कुमार वर्मा, कमलेश कुमार यादव, जयंत प्रताप, हरिकरण सिंह, सरोज शुक्ला सहित तमाम अधिवक्ता शामिल हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने आई इंडिया को बताया, यदि यहाँ FIR नहीं दर्ज हुई तो 156/3 सीतापुर में डालेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।